हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ स्टोन ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड इज मूव्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन आरपीएम। द टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोएस्ट पॉइंट इज। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। यहाँ पे ये सेंटर रहेगा और जैसे कहा कि एक स्टोन जो है जिसका मास m है, ये जब लोवेस्ट पोजीशन पर होता है तो यहां पे हमें टेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो n rpm है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो f इक्वल्स टू n rpm, जिसको हम लोग rps में कन्वर्ट कर देंगे। rpm मतलब होगा रोटेशन पर मिनट या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट, जिसको हम लोग लिखते हैं n बाय 60 rps, एंड दैट इज नथिंग बट द हर्ट्ज। रोटेशन पर सेकंड जो होता है या फिर रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसी को हर्ट्ज कहा जाता है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो एट लोवेस्ट पॉइंट इसमें टेंशन कितना रहेगा, देखो लोवेस्ट पॉइंट में ये जो स्टोन है इसका वेट स्मॉल mg डाउनवर्ड एक्ट होगा और टेंशन जो डेवलप होगा वो स्ट्रिंग में अपवर्ड रहेगा, राइट। और जो टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप हो रहा है उसका और mg का रिजल्टेंट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब इस केस में होगा T-mg इज इक्वल्स टू mv2/r, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं इस mv स्क्वायर बाय r को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखता हूं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर T-mg, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, t को यहीं पर रखते हैं, बाकी टर्म को शिफ्ट कर देंगे। mr ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा mg, ओके। तो चलो ओमेगा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, mr ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf होल स्क्वायर प्लस mg। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एफ के वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे। एफ कितना था, एन बाय 60। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब 2π, दैट इज 4π स्क्वायर, और एफ स्क्वायर था एन बाय 60 होल स्क्वायर प्लस यहां पे था एम जी, एंड दिस वॉज टेंशन। सो एम जी प्लस एम आर 4π स्क्वायर एन स्क्वायर बाय 60 स्क्वायर। सो 60 स्क्वायर कितना होगा, देखो 3600, राइट। सो हियर इट इज, एम हम लोग बाहर ले लेते, कॉमन कर देते, तो जी प्लस 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 4 9 36 होता है, तो ये हो जाएगा 900, राइट। तो जी जैसे हमने एम को बाहर ले लिया, तो यहां पे बचेगा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय 900। सो दिस इज द टेंशन विच इज डेवलप इन द स्ट्रिंग एट लोवेस्ट पोजिशन, ओके।